नमस्कार दोस्तों, जो है CGPSC 2019 के होने वाले एग्ज़ाम के लिए नोटिफिकेशन इस बार नहीं आएगा दोस्तों, कुछ कारणवश। इस वीडियो में उस कारण को जानेंगे, तो इस वीडियो के देखते रहिए दोस्तों। और दोस्तों, CGPSC 2019 से भर्ती नहीं लेगा, हो सकता है दोस्तों। और इसमें जो है CGPSC इस साल जो है जीरो ईयर होने वाला है, क्योंकि इसका हम लोग कारण इस वीडियो में जानेंगे। आज का न्यूज़पेपर में भी देखने को मिल गया है दोस्तों, इसी वीडियो में आपको सब जानकारी डिटेल्स मिल जाएगा। तो इस वीडियो को जो है शेयर कीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों, जिसमें PSC को विभागों ने इस बार जो है खाली पदों का जानकारी नहीं दिया है, इसीलिए दोस्तों 2019 जीरो ईयर होने वाले इस साल CGPSC कोई नोटिफिकेशन आने का कोई संभावना नहीं है, इसको देखते हुए दोस्तों। लेकिन अभी 26 नवंबर को जो है आने में कुछ दिन बचा है दोस्तों, और PSC का कहना है कि राज्यपाल को इस चीज़ के लिए हस्तक्षेप करने की मांग की है दोस्तों। आरक्षण पर स्टे कारण जो है इस साल नोटिफिकेशन आने में समस्या है दोस्तों। प्रदेश में जो है नया आरक्षण कानून आ जाने के कारण PSC एक भी पद भर्ती नहीं कर पाएगा। भर्तियों के लिहाजे से दोस्तों, जिसमें भर्ती है उसमें जीरो ईयर होने का कगार पर है अभी दोस्तों। यह जीरो ईयर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दो प्रकार से हो सकते हैं। लेकिन अभी तक जो है PSC को जो है खाली पदों का जानकारी नहीं देने के कारण यह इस वर्ष जो है खाली हो सकता है दोस्तों। यानी कि डिप्टी कलेक्टर, DSP से लेकर अन्य विभागों की परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे युवाओं एक साल पिछड़ जाएंगे। इस स्थिति को देखते हुए दोस्तों, PSC के चेयरमैन KR पिस्दा ने राज्यपाल जो है अनुसुईया उइके से मुलाकात कर हस्तक्षेप करने की मांग रखी है, इसमें दोस्तों भर्ती की आवेदन निकाले जा सकें दोस्तों। और आपको बता दूँ, इस वर्ष जो है जीरो ईयर होने के कगार पर है, क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो इस साल जो है कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा PSC का, तो दोस्तों इस साल जीरो ईयर हो जाएगा। इसी कारण को देखते हुए आरक्षण पर स्टे कारण दोस्तों विभागों से भर्ती के लिए मांगे पत्र भेजे नहीं जा रहे हैं, ये मुख्य कारण है दोस्तों, आरक्षण स्टे के कारण। और कुछ विभागों ने भेजे हैं, लेकिन उसमें जो है आरक्षण फार्मूला पुराना अप्लाई होने से दोस्तों PSC ने इसे वापस भेज दिया है। पुराना जो आरक्षण कानून अप्लाई होने के कारण इसे जो है वापस भेज दिया है। और दोस्तों कहना है कि हम सरकारी विभागों से बार बार आग्रह कर रहे हैं कि वे स्टेट वैकेंसी कराएं जिससे भर्ती हो सके, अन्यथा यह साल जीरो ईयर हो जाएगा। यह दोस्तों 26 नवंबर को नोटिफिकेशन नहीं जारी कर पाएंगे, KR पिस्दा अध्यक्ष छत्तीसगढ़ PSC दोस्तों। ये इस प्रकार से कहना है कि जो है खाली पदों का जानकारी PSC के विभाग को नहीं देने के कारण इस वर्ष जो है यानी कि जीरो ईयर हो जाएगा। और दोस्तों जो भी नोटिफिकेशन मिल रहा है यानी खाली विभाग का पुराना आरक्षण कानून होने के कारण दोस्तों उससे जो है वापस भेज दिया जा रहा है इसी कारण दोस्तों। और जो है अध्यक्ष है PSC का, वह जो है अनुसुईया उइके राज्यपाल से मिलकर इस चीज़ के लिए हस्तक्षेप करने की भी मांग रखे हैं दोस्तों। आ भी सकता है नोटिफिकेशन, आप निश्चिंत रहें, अपना तैयारी करते रहें दोस्तों। और इस वीडियो को जो है शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।